Grand Ayatollah Abul Qasim al-Khoi was an Iraqi mujtahid of Iranian descent. In an age that did not know the internet and where television was available only to a privileged few, he was introduced to the Pakistanis by Grand Allama Rashid Darabi. और इसी तरह से एक अहम तफसीर लिखी जा रही है नजफ में और उसका नाम है अलबयान. ये सैयद अबुल कासिम खुई की किताब है. सैयद अबुल कासिम खुई की किताब. ग्रैंड आयतुल्लाह खुई वाज अ सीनियर कंटेम्पररी ऑफ आका रूहुल्लाह खुमैनी ऑफ ईरान. आयतुल्लाह अल खुई ट्रेन्ड मेनी क्लेरिक्स in Islamic jurisprudence, one of whom became a grand Ayatollah himself, Ayatollah Sistani. Ayatollah Khui itni badi shakhsiyat ban chuke the ke Najaf mein unka naam tha, unka laqab tha Zaimul Hawzatil Ilmiya, yani ilmi danishgah ka sabse bada mudarris, ilmi dasgah ka aur ilmi danishgah ka sabse bada mudarris, yani अगर आयतुल्लाह खुई छुट्टी कर दे तो पूरे हौजे इल्मिया में छुट्टी हो जाती थी. अगर आयतुल्लाह खुई ऐलान करे कि कल से दर्स शुरू हो जाएंगे तो पूरे हौजे इल्मिया में दर्सों का आगाज हो जाया करता था. इतनी बड़ी शख्सियत थी. और यूं तो बड़े बड़े मुदर्रिसीन गुजरे, बड़े बड़े फुकहा गुजरे, बड़े बड़े उलमा गुजरे, बड़े बड़े मराजी गुजरे, लेकिन मेरे अपनी आंखों देखी बात अर्ज कर रहा हूं, मेरे जमाने में आयतुल्लाह खुई से बड़ा हल्का दर्स किसी का नहीं था. 1000 तालबिल उनके फिक्र उसूल के दर्ज में शरीक हुआ करते थे और उन 1000 तलबा में से 500 तालब इल्म ऐसे थे जो दर्जा इश्तिहाद पे फाइज थे और उन 500 तालब इल्मों में से 200 वो थे जो साहेब रिसाले अमलिया थे और उन 200 मुस्तहदीन में से एक दर्जन वो हैं जिनकी तकरीर आज हो रही है. सन 255 हिजरी में इमाम गायब पैदा हुए. 255 हिजरी में. सन 260 हिजरी में 11वें इमाम का इंतकाल हुआ, जिस वक्त उम्र इमाम की 5 साल की थी, 12वें की. और उसी वक्त से गैबतें सोहरा शुरू हुई. सन 329 हिजरी पर वो गैबतें सोहरा खत्म हो गई और वहां से गैबतें कुबरा का आगाज हुआ. तो अब तकरीबन 69-70 साल का पीरियड है गैबतें सोहरा का. अच्छा, इस गैबत सोहरा के पीरियड में इमाम ने अपने नायब नॉमिनेट किए. उस पहले नायब उस्मान इब्ने सईद अहवाजी, दूसरे नायब मोहम्मद इब्ने उस्मान, तीसरे नायब हुसैन इब्ने रूह है नौबख्ती, जिसे बाद लोग हुसैन इब्ने रौह कहते हैं. दोनों तरीके से दोस्त है, हुसैन इब्ने रौह है नौबख्ती, हुसैन इब्ने रूह है नौबख्ती. चौथे अली इब्ने मोहम्मद सैमूरी, ये चौथे नायब थे. इमाम का लेटर आया इनके पास, चौथे और आखिरी, और उसमें ये लिखा हुआ था. अब मैं पूरा लेटर कभी फिर करूंगा, वक्त नहीं है. उसमें लिखा था, कुछ सवाल पूछे थे, उनके जवाब दिए इमाम ने, और फिर बाद में लिखा कि देखो अली इब्ने मोहम्मद, एक हफ्ते में तुम मर जाओगे, एक हफ्ते में तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा और तुम्हारे बाद कोई नायब खास मेरा नहीं होगा. व अम्मा मन इब्याल मुशाहिदा फहुवा कज़्ज़ाबुल मुफ्तरीन. और अब एक हफ्ते के बाद जो शख्स भी दावा करे मेरी नियाबत का और मेरी रोयत का, वो कज़्ज़ाब है और मुझे झूठ बांधने वाला है. और अब मेरी नियाबत आम होगी, अब किसी को नॉमिनेट नहीं करूंगा, मेरी नियाबत आम होगी. व अमल हवादिसुल वाकिया फरजऊ इला रवाते अहादीसना. तो अब सुनो, हमारे जो हदीस के रावी है ना, ये मुस्तहदीन, आने वाले मसाइल में उनकी तरफ रुजू करना. क्या कहा इमाम ने? राविया ने हदीस की तरफ रुजू करना. यह नहीं कहा कि आने वाले जो मसाइल हो उनमें कयास से काम ले लेना. कभी किसी मंजिल पर, किसी मौके पर किसी से न डरने वाला इंसान, अमरे हक में हक पर अड़ जाने वाला इंसान और यह तय करने वाला इंसान कि यही होगा जो मैं चाहता हूं.
हुकूमत को रुश्वत दे दी गई कि हुकूमत चश्मपोशी कर ले और पाहाए हजरत अब्बास तक जरीह को काट कर एक दूसरी जरीह को नस्ब करने का इंतजाम कर दिया गया और रातें रात जरीह भी पहुंच गई और पुरानी जरीह खुल गई। जैसे ही आयतुल्लाह हकीम को मालूम हुआ तन्हा नजफ से मोटर में बैठ के सीधे करबला आए और सीधे हजरत अब्बास के रोजे में जाके खड़े हो गए और कहा जब तक मैं जिंदा हूं ये जरी अब नहीं हटेगी। ये कुव्वत थी, ये दिल की ताकत थी। लोगों ने जाके शिकायत की हुकूमत से कि मोहसिन हकीम आके खड़े हो गए। हुकूमत जान रही थी कि हम इनके मामलात में दखल नहीं दे सकते, कोई और हुकूमत नहीं थी, यही हुकूमत थी, सिर्फ अफराद बदले हुए थे, मगर वो जान रहे थे कि इस वक्त जलाल का आलम है। चुनाचे वही हुआ और उन्होंने इजाजत नहीं दी और उनकी वजह से एक असर बाकी रह गया, एक निशान हमारा रह गया। हुकूमत इराक से तीसरी प्रकाश की वजह यह थी कि हुकूमत इराक नजफ का खजाना मांग रही थी। वो चाहती थी कि नजफ में अमीरुल मोमिनीन के जितने अमवाल हैं शहनशाहान ईरान ने और शाहान मासबक ने जो मोती हीरे याकूत जमर्रुद सोने की अशरफियां उस बारगाह में नजर की थी उसको यह हुकूमत मांग रही थी। इससे पहले जब अंग्रेजों ने तलब किया था तो सरकार अस्फहानी ने उस तहखाने के दरवाजे को बंद कर दिया था और अब जब इस हुकूमत ने जबर करना शुरू किया तो आयतुल्लाह हकीम सीना से पर हो गए और कहा कि इस तहखाने में वही जाएगा जो मेरी लाश को कुचलता हुआ जाए, कि मोहसिन हकीम को यूं भुलाया नहीं जा सकता, यानी वो सिर्फ इस माना में मुश्तहिद नहीं थे कि आपको हलाल और हराम या तहारत और नजासत के मसले बतलाए। उन्होंने सियासत मजहब की बाग अपने हाथ में ले ली थी और ये बतलाया था कि मुसलमान को किस तरह से जीना चाहिए, मगर हकीकत यह है कि हुकूमत ने और इराक की हुकूमत ने उन पर बड़ा जुल्म किया और इराक की हुकूमत अल्लाह के सामने जिम्मेदार है। हाय वो बाप के जो मर जाए और जिसके लाशें में बच्चे न जा सके, हाय वो बाप जिसका जनाजा उठे और बच्चे दर बदर फिरे। यह इस दौर में हो रहा है, यह इस दौर में हो रहा है तो करबला क्यों याद न आए। On the 2nd of August 1990, Iraq's President Saddam Hussein invaded Kuwait. The President of the United States, George Bush, gave him 6 months to withdraw, in which time the Americans built up a deadly and overwhelming coalition of military forces to liberate Kuwait. However, Saddam refused to withdraw. Place for this sort of naked aggression in today's world. And I have taken a number of steps to indicate the deep concern that I feel over the events that have taken place. I
Want you to know that first off, we view this situation with gravity. We view it as a matter of grave concern to this country and internationally as well. What Iraq has done violates every norm of international law. And I have been meeting this morning with my top security experts on the defense side, the economic side, and I'll have another such meeting tomorrow in at Camp David. I've been talking to some of the world leaders, and one of the reasons for the delay is I just hung up from talking again to Margaret Thatcher, informing me of steps that the United Kingdom has taken. We are moving with them and many other countries in terms of how we view these international sanctions, tightening that up along the way. I talked also to another staunch friend of the United States just a few minutes ago, President Özal of Turkey. Turkey, as you know, is in a very strategic location, geographical importance as a steadfast member of NATO. And I think it's fair to say that President Özal and I look at this matter with the same sense of urgency and concern. This will not stand. This will not stand, this aggression against Kuwait.